स्वागत है आपका ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है सूरज अधिकारी एंड यू आर वाचिंग कास्ट। तो देखो, बात है ऐसी, गेमिंग करना हर किसी को पसंद है, इस वजह से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेडियो कॉस्मो 7.1 गेमिंग हेडसेट। स्पेसिफिक यही गेमिंग हेडसेट क्यों, क्योंकि अगर आप मेरी माने ना, 2000 रुपये में टिल डेट 2021 ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग हेडसेट है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसे परचेज करने की सोच रहे हैं। तो देर नहीं करते हैं और डब्बे की खोला खाली शुरू करते हैं। सो डब्बे के अंदर आपको मिलेंगी तीन चीजें, हेडसेट, सॉफ्टवेयर सीडी और स्टिकर। सॉफ्टवेयर सीडी और स्टिकर को अभी हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं क्योंकि इनका भी कोई काम है नहीं, और बात करते हैं हेडसेट की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। हेडसेट का हेडर जो है वो मेटल का है, तो इस बात से तो आप टेंशन फ्री रहो कि कहीं ये हेडसेट लूज वूज तो नहीं हो जाएगा। 1-1.5 साल ये कहीं नहीं जाने वाला मेरी मानो तो, और अगर थोड़ा बहुत भी जाने लगे ना, एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, इसे थोड़ा ऐसे बैंड करो ऐसे बैंड करो, ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, अपनी टाइटनेस पर वापस आ जाएगा। हेडर जो है वो आपका ऑटो एडजस्टेबल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसे मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको सीधा कान पे लगाओ और गेमिंग चालू। यूएसबी केबल की क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये जो यूएसबी केबल है ये ब्रेडेड वायर है। इट मीन्स जो मेन आपकी यूएसबी केबल है उस पर पहले एक प्लास्टिक थ्रेड की केजिंग की गई है और फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग की गई है ताकि ये ब्रेक ना हो सके और कहीं से डैमेज ना हो सके। तो आपको इस चीज़ का तो टेंशन फ्री रहना है कि यूएसबी केबल की वजह से आपका हेडसेट खराब हो जाए। RGB लेवल्स का पूरा ध्यान रखा गया है, ये नहीं कहूँगा कि हेडसेट में काफ़ी हाई क्वालिटी की RGB है, फिर भी रेडियन ने तीन जगहों पे आपको RGB दी है, आपके स्पीकर्स पे, नॉइस कैंसिलेशन माइक पे और एक स्मॉल कंट्रोलर जो आपके USB केबल से कनेक्टेड है। इस कंट्रोलर का बेसिकली काम ये है, आप इससे अपना वॉल्यूम कंट्रोल अप एंड डाउन कर सकते हो, माइक म्यूट एंड म्यूट कर सकते हो, और अगर किसी को RGB पसंद नहीं है, यानी कि मेरी तरह या फिर इस हेडसेट के RGB उन्हें पसंद नहीं आती है, तो आप उसे यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, और अगर आप फिर भी ऑन करना चाहें तो आप यहाँ से उसे ऑन भी कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, वो है स्पीकर टेस्टिंग। देखो, वो पॉसिबल नहीं क्योंकि आवाज़ मुझे को आएगी और वही सेम क्वालिटी की आवाज़ मैं आप तक तो पहुँचा नहीं पाऊँगा। बट बिलीव मी, एट द टाइम ऑफ गेमिंग अगर आप चाहते हैं कि आपको एनिमी का फुटस्टेप पूरा सुनाई दे, मतलब आप जजमेंट ले सको कि वो लेफ्ट से था राइट से था, इस हेडसेट के थ्रू आप वो प्रॉपर कर पाओगे। मतलब अगर आपको कॉम्पिटेटिव गेमिंग भी करनी है ना, तो भी आप और आपका बजट कम है, आप इस हेडसेट को ले लो, आपका काम पूरा हो जाएगा। जहाँ तक बात है मूवीज़ एंड म्यूजिक को लेके, तो वहाँ ये मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, लेकिन एक डिसेंट क्वालिटी का स्पीकर इसमें है, तो जब आप म्यूजिक सुनेंगे या मूवी सुनेंगे तो आपको ऑडियो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रहेगा। स्पीकर टेस्टिंग तो हम देखो नहीं कर पाए थे क्योंकि वो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इस हेडसेट के इनबिल्ट माइक्रोफोन जो कि नॉइस कैंसिलेशन है उसका टेस्ट हम जरूर करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब आपको जो आवाज़ आएगी वो इस हेडसेट के इनबिल्ट माइक्रोफोन से आएगी, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर इसका कैसे यूज़ करना है और उसे सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए चलते हैं। जिनके पास भी CD रीडर है उनके लैपटॉप या सिस्टम में, तो वो तो इस CD के थ्रू अपना ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, उनको ये CD उठानी है और जिस डब्बे से निकाली उसी डब्बे में वापस डाल देनी है। फिर सर्च करना है क्रोम पे रेडवुड इंटरैक्टिव। रेडवुड इंटरैक्टिव बेसिक रेड गियर की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने ड्राइवर पर क्लिक करना है। ड्राइवर पर क्लिक करने के बाद आपको रेड गियर कॉस्मो 7.1 हेडफोन दिखाई देने लगेगा। उस पर दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डाउनलोड द ड्राइवर बिफोर 2021 एंड आफ्टर 2021। आपको अपने बॉक्स पर चेक करना पड़ेगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है। अगर आपका जो हेडसेट है वो बिफोर 2021 से पहले का है तो आपने फर्स्ट ड्राइवर इंस्टॉल करना है। अगर आपका जो हेडसेट है वो जैन 2021 के बाद की मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपने सेकंड ड्राइवर इंस्टॉल करना है। मेरा जो हेडसेट है वो जैन 2021 के बाद का है, इसलिए मैं सेकंड ड्राइवर पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपली हमें इस फाइल को डाउनलोड करना है। जब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपने बेसिकली फाइल मैनेजर्स में जाना है, वहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो ज़िप फॉर्मेट में फाइल है इसे ओपन करना है। रेड गियर कॉस्मो पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यही जो फोल्डर आपको दिखने लगेगा रेड गियर कॉस्मो 7.1 वॉल्यूम 2 V2, इसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है डेस्कटॉप पे और ये प्रोसेस आपने होने देना है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पे एक छोटा सा फोल्डर बन के आएगा रेड गियर कॉस्मो 7.1 वॉल्यूम 2 का, इसे आपने ओपन करना है, विन 10 में जाना है और वहाँ से सेटअप पर क्लिक करना है। फिर आपने इसे यस करना है। यस करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से परमिशन मांगेगा आपसे, आपने एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट इंस्टॉल, प्लीज़ कनेक्ट द रेड गियर कॉस्मो 7.1। अब मैं अपना जो हेडफोन है वापस उसे रीकनेक्ट करता हूँ। अब मैंने हेडफोन इसलिए डिसकनेक्ट किया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड था, तो उसने मुझसे बोला कि यू हैव टू डिसकनेक्ट द हेडफोन। मैंने डिसकनेक्ट करके वापस कनेक्ट किया ताकि इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाए।
अब ये बोल रहा है कान फाइंड एनी डिवाइस, आपको इसे एग्जिट करना है। अब हमारे पास एक मैसेज बन के आया है, रेड यू हैव टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको अपना कंप्यूटर रीस्टार्ट करना पड़ेगा ताकि आपका हेडसेट जो है वो सही से काम कर सके। सिस्टम रीस्टार्ट करने के बाद आपका ड्राइवर रन कर जाएगा और आपके पास दो ऑप्शन आएंगे स्पीकर एंड माइक के। ये बेसिकली इंटरफेस है रेडियो कॉस्मो 7.1 का। अब स्पीकर्स में आपने जाना है और वॉल्यूम कंट्रोल हमेशा फुल पे रखना है, ठीक है, मास्टर और फ्रंट का भी। सैम्पल रेट हमेशा 48 पे रखना है ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी की ऑडियो आए। इक्वलाइजर हमेशा ऑफ करना है, इसका कोई काम नहीं होता, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा इसका। एनवायरमेंटल इफेक्ट हमेशा ऑफ रखिएगा, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। 7.1 वर्चुअल स्पीकर शिफ्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपको एनिमी की आवाज़ कितनी ज़ोर से सुनाई देनी चाहिए, आपको फुटस्टेप्स की आवाज़ कितनी ज़ोर से सुनाई चाहिए, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो आपने इसे अनेबल करना है और यहाँ पे बेसिकली जब आप अपना लेवल अप करेंगे यहाँ पे, तो आपके डेसिबल्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। और आपने नोटिस किया होगा ये जो स्पीकर्स हैं हेड के अराउंड, ये और पास आते जाएंगे। सी ये जितने पास आते जाएंगे आपको उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से आपके एनिमी के फुटस्टेप सुनाई देंगे, लेकिन उतने ही ज़्यादा आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता जाएगा, तो वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो आपको ये अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा माइनस करते जाएंगे ये उतना ही ज़्यादा दूर जाते जाएंगे। तो बेसिकली इसके साथ आपको थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। उसके बाद आते हैं एक्सियस सिंक इफेक्ट्स, ये हमेशा ऑफ रखिएगा, इसका कोई काम नहीं होता। एक्सियस साउंड मैक्स, इसे आप हमेशा इनेबल रखिएगा, क्योंकि ये बेसिकली आपकी ऑडियो जो आप तक पहुँच रही होती है उसे और भी 50% और भी इंक्रीज़ कर देता है। अब आते हैं माइक पे। माइक के वॉल्यूम कंट्रोल में माइक इन हमेशा 100% रखिएगा और मॉनिटर हमेशा डिसेबल रखिएगा। ये बेसिकली आपकी आवाज़ को मॉनिटर करने के लिए होता है। फॉर एन एग्जांपल, इसे मैं भी अनम्यूट करूँ तो अभी मुझे मेरी आवाज़ ही रिपीट हो रही है, ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि मेरी आवाज़ किस वॉल्यूम में जा रही है, कैसी क्वालिटी की जा रही है, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ होता नहीं है। सैम्पल रेट हमेशा 48 रखिएगा। एक्सियसिंग इफेक्ट्स, माइक्रोफोन इको का कोई काम नहीं है। मैजिक वॉइस आप यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ गेमिंग अपने टीममेट्स को परेशान करने के लिए, या फिर थोड़ा फन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अभी मॉस्टर सेलेक्ट करता हूँ तो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी मॉस्टर जैसी हो जाएगी। अगर अब थोड़ी मेरी कार्टून जैसी हो जाएगी, अब मेरी आवाज़ थोड़ी मर्दाना आ रही होगी, खली वाली। और अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे मर्दाना जनाना मिक्स आवाज़ है, अगर आप रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, मैं इसे हमेशा ऑफ रखता हूँ। उसके बाद माइक्रोफोन बूस्ट, ये हमेशा अनेबल रखिएगा ताकि आपका जो ऑडियो आपके टीममेट्स तक पहुंच रहा है वो और भी ज़्यादा बूस्ट होकर पहुंचे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया, कैसे ड्राइवर यूज़ करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आपने छोटा सा काम करना है एंड आई कैन गारंटी उसमें आपको सिर्फ 2 से 3 सेकेंड लगेंगे। वो ये कि आपने वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना है सब्सक्राइब, ताकि हमारा कास्ट तक चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे। दैट्स इट, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली हमने बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर ली, ये भी जान लिया कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है। अब मैं बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस हेडसेट में ये प्रॉब्लम है कि ये भाई साहब भारी बहुत है, 608 ग्राम है इसका वेट। इट मींस जब आप स्टार्टिंग डेज में आप 2 से 2.5 घंटा रेगुलर यूज़ करोगे ना, तो 1 से 1.5 महीना आपको ईयर पेन और ईयर स्वेटिंग की काफ़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम, जब आप इसे 100% वॉल्यूम पे यूज़ करोगे ना, तो इसमें से ऑडियो लीक होता है, मतलब आवाज़ बाहर काफ़ी जाती है। ये दो चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी अगर आप ये हेडसेट परचेज करते हैं। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, वो हमें आपको बता दिया। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, माइक टेस्ट हमने कर ही लिया तो उसका भी आपको आइडिया लग ही चुका, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे परचेज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो ये तो कुछ वीडियो रेडियर कॉस्मो 7.1 गेमिंग हेडसेट का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।